नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देख रहे हैं बेबाक बात। आज मेरे साथ भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी साहब हैं। किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किशन जी, आपको बड़ा अचानक से बहुत नाम चर्चाओं में थे कि फलां जी अध्यक्ष बनेंगे नगर निगम के, फलां जी बनेंगे, और आपका नाम सामने ला के और आपको अध्यक्ष बनाया गया। आपको उम्मीद थी कि पार्षद थे आप दो बार, के आपको अध्यक्ष बनाया जाएगा? देखिए, मैं तो संगठन का काम अपनी निष्ठाभाव से करता गया। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि पार्टी मुझे पार्षद का चुनाव दोबारा लड़ाना चाहती है। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मुझे नगर निगम का अध्यक्ष बनाना चाहती है। मुझे आदेश हुआ आपको चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ लिया। मुझे आदेश हुआ आपको नगर निगम अध्यक्ष के नाते काम करना है, वो कर। तो ये मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, पर संगठन प्रत्येक व्यक्ति के बारे में विचार करता। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मेरे बारे में जो विचार कर रहा था, उस आधार पर मुझे जब जब जो आदेश देता गया मैं करता गया। किशन सूर्यवंशी जी के बारे में बताऊं कि बहुत छोटी आयु में, शायद आप स्कूल में पढ़ते थे जी। स्कूल में जब किशन सूर्यवंशी साहब पढ़ते थे, तब संघ की शाखाओं के से आपका जुड़ाव हुआ, और उसके बाद एक स्वयंसेवक के रूप में आपने अपने जीवन को सार्वजनिक तौर से शुरू किया। मैं जब पांचवी कक्षा मैंने पास की, तो मैंने संघ का प्राथमिक शिविर किया भोपाल में। हाँ, और इसके बाद जब मैं दसवीं में आया तो मैं संघ का विस्तारक हो गया था। E2 गवर्नमेंट क्वार्टर देवपुत्र कार्यालय में मैं रहता था। जब मैं कॉलेज में आया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सक्रिय काम में आया और विभिन्न जवाबदारियों में विद्यार्थी परिषद के रहा। संघ का संघ शिक्षा वर्ग शिक्षित हूँ, विस्तारक रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद में लंबे समय काम किया है। जब जो काम मुझे संगठन ने दिया करता गया, मुझे विश्वविद्यालय में भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए कहा गया कि आपको बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में जाना है। तो उस समय भी मैंने कहा था कि मैं 10 साल पहले छात्र राजनीति कर चुका हूं, अब मैं भाजपा की सक्रिय राजनीति में हूं, आप मुझे कहां EC मेंबर बना के पहुंचा रहे हैं। तो बोले नहीं, ये तय किया गया संगठन ने आपके बारे में। तो एक लाइन में फिर बात ख़त्म हो गई कि तय हो गया, तो फिर ठीक है, अब मुझे कुल मिला के पालन ही करना है बात का। ऐसे करके मुझे जब जो आदेश संगठन देता गया मैं करता गया। अब जब आप अध्यक्ष बने, पार्षद बन के तो मसले उठाने होते हैं, अपने काम कराने होते हैं, अपने क्षेत्र का विकास कैसे हो, जब अध्यक्ष बने तो उसके बाद अब भूमिका थोड़ी सी बदल गई है। निश्चित रूप से अध्यक्ष की जवाबदारी है कि सभी जनप्रतिनिधियों से तालमेल बना करके भोपाल के विकास में सबका सहयोग लेते हुए हम भोपाल को बेहतर कैसे बना सकते हैं, चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो, चाहे सुंदरता के मामले में हो, चाहे सफाई के मामले में हो। भोपाल में देखिए, सुझाव किसी का भी अच्छा हो सकता है, विपक्ष का भी सुझाव अच्छा हो सकता है। इसलिए मेरा प्रयास ये रहता है कि सभी से तालमेल करके सकारात्मक चर्चा के माध्यम से भोपाल के बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरे समय दिमाग में उस प्लान पे हम काम करते हैं। कोई प्लान बनाया भी आपने, कुछ खाका तैयार किया? प्लान पे काम भी शुरू कर दिया हमने। सफाई को लेकर के हम बहुत फोकस्ड हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और राजधानी होने के नाते हम दूसरे जिलों को इंस्पायर करने का काम करते हैं। तो जब भोपाल राजधानी दूसरों जिलों को मध्य प्रदेश के इंस्पायर करेगी, तो उसके लिए हमें सभी पैरामीटर्स पे खड़े उतरना पड़ेगा। कहीं इंदौर से कंपटीशन है भोपाल का, भोपाल के नगर निगम का, कि छठवीं बार इंदौर स्वच्छता के मामले में देश में नंबर वन है, तो ये टीस तो होती होगी ना कि हमारा शहर भी हो, हमको भी होती है कई बार। मुझे बहुत ज़्यादा टीस होती है, मैं बताऊँ आपको। मुझे खैर, हम बीच में निगम की स्थिति और थोड़ी ठीक नहीं रही, मगर अभी अपना उसने ठीक किया है, और अब बहुत तेज़ी से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे ही कार्यकाल में हम एक नंबर पे आएंगे। नहीं, मैं 30 की बात कर रहा था। तो वो जब 30 होती है, हालांकि जो इंदौर में काम कर रहे हैं वो भी हमारे लोग हैं, इंदौर भी शहर हमारा है, लेकिन जब बात आती है कि हम कहाँ रहते हैं, भोपाल में, और भोपाल में स्वच्छता के मामले में उतनी अवेयरनेस अभी नहीं है जितनी होना चाहिए थी। मैं ये मानता हूं कि शहर के अंदर इस प्रकार का वातावरण बनाने में हमें और तेज़ी से काम करना पड़ेगा कि प्रत्येक नागरिक को ये लगे कि ये मेरा शहर है, इस शहर में हम पले बड़े हुए हैं, इस शहर ने हमें सम्मान दिया, इस शहर ने हमें पहचान दिए, और इस शहर को हम हमेशा नंबर एक पे ही लाएं। इसके लिए हमारी अपनी व्यक्तिगत जवाबदारी क्या हो सकती है, हमारे अपने व्यक्तिगत तौर पर क्या काम हो सकते हैं, इस पर जब तक प्रत्येक व्यक्ति फोकस करके काम नहीं करेगा, हम नंबर वन से दूर हैं। और ये टीस है, ये जैसा आपने 30 शब्द का इस्तेमाल किया, ये 30 शब्द भोपाल के प्रत्येक नागरिक के मन में होना चाहिए। वो अभी नहीं, इंदौर के अंदर आप देखिए कि इस प्रकार का सिविक सेंस डेवलप हो चुका है कि वहाँ अगर कोई टूरिस्ट भी सड़क पर चलता हुआ कचरा फेंकेगा तो आम इंदौर का नागरिक टोक देगा।
सही बात है। हाँ, ये जो एटमॉस्फेयर बन चुका है, आम नागरिक जागरूक हो चुके हैं उसके लिए, ये भोपाल के अंदर होना और जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पर बिल्कुल काम नहीं हुआ, पर इस पर काम और बहुत ज्यादा होने की आवश्यकता। आप पार्षद रहे पहले, फिर पार्षद बने, फिर नगर निगम अध्यक्ष बन गए, आपके पास एक बड़ी जवाबदारी है। जिन लोगों को एक काम दिया गया था सिविक सेंस जागृत करने का, तमाम सारे एनजीओज हैं, सरकारी संस्थान हैं, गैर सरकारी संस्थान हैं, हमारे यहाँ के स्कूल कॉलेज से बहुत सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं, नगर निगम ने कभी क्या उनकी सही से मॉनिटरिंग नहीं की कि जिस रिजल्ट के लिए हमने जो काम दिए गए थे वो रिजल्ट हमारे पास नहीं आ पाए? मैंने आयुक्त नगर निगम को अभी निर्देशित किया है कि आप जितने भी एनजीओ स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रहे थे, उन्होंने क्या क्या काम किया एटमॉस्फेयर डेवलपमेंट पर, वातावरण बनाने पर, कि भोपाल के अंदर हमें अपने शहर को स्वच्छ रखना, इस पर कितना इफेक्टिव काम हुआ है, आप मुझे पूरी जानकारी उपलब्ध कराइए। तो अभी कुछ जानकारी आ गई, कुछ जानकारी शेष है, और हमारा फोकस इसमें किशन जी कई बार शिकवे शिकायतें भी आती हैं, जांच होती है तो फिर चीज़ निकल के सामने आती है। तमाम ऐसे एनजीओज हैं जो पैसा तो लेते हैं स्वच्छता के नाम पे, तमाम सारी अन्य योजनाओं के नाम पे, लेकिन काम नहीं करते। उनके अगर आप रिजल्ट देखें तो वो शून्य मिलते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई कितना ही बड़ा एनजीओ कर रहा होगा, काम करने वाला एनजीओ नहीं टिक पाएगा, और उस पर कार्रवाई होगी, उसकी सोशल ऑडिट भी होगी, और उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे, क्योंकि जिस काम के लिए आपको पैसा दिया है वो काम आपको करना पड़ेगा, और आप नहीं कर सकते तो आपको ब्लैकलिस्टेड भी किया जाएगा। चाहे एनजीओ कौन है, किससे जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, कोई मैटर नहीं करता है। हमारे लिए मैटर ये करता है कि आपको जो काम दिया है वो काम आपने प्रभावी ढंग से किया है या अथवा नहीं किया है, और आपके एक प्रयासों में अगर कमी होगी तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा, आपको काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि शहर की इज्जत का सवाल है, ये हम सब की इज्जत का सवाल है कि हम अपने शहर को क्यों नहीं ला पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, स्वाभाविक रूप से बहुत खूबसूरत शहर है हमारा, प्राकृतिक वातावरण यहाँ का लोग निहारते रह जाते हैं। यहाँ पर हमारे अलग अलग वाटर बॉडीज हैं, हमारा इतना यहाँ का पर्यावरण इतना अच्छा है, इतने पेड़ है, इतनी हरियाली है, अब केवल उसको स्वच्छ और मेंटेन रखने की जवाबदारी है। तो उसमें नागरिक के अंदर इस भाव का जागरण करना कि ये मेरा अपना शहर है, इस शहर के प्रति मेरी जवाबदारी है, और मैं ना गंदा करूंगा ना गंदा करने दूंगा, ये भाव आना पड़ेगा। लेकिन अब आप देखिए कि भोपाल के अंदर कई एजेंसियां बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत ब्यूटिफिकेशन के काम करती है, ब्यूटिफिकेशन के काम को थोड़े दिन बाद ही आप देखेंगे कि वो डैमेज मिलती है, नष्ट हो जाता है, चोरी हो जाते हैं सामान, चोरी हो जाएगा या टूट जाएगी, अच्छी लाइटें लगी है सड़क के किनारे, पता चला थोड़े दिन बाद बड़े बड़े गमले लगाए, लोग चुरा के ले गए, तोड़ के चले गए। अब ये तो मुझे लगता है कि भोपाल के नागरिकों का खून खोल जाना चाहिए कि ये कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति, अगर असामाजिक तत्व भी कर रहा है, और आम आदमी अगर उसको देख रहा है कि मेरे सामने इस प्रकार की घटना हो रही है, तो आम आदमी को भी तत्काल रोकना चाहिए, पुलिस को भी फोन करना चाहिए, निगम को फोन करना चाहिए, कंट्रोल रूम के नंबर सभी के पास, भोपाल के लोगों के पास है, कि ये हमारे टैक्स की गाड़ी कमाई से डेवलपमेंट हुआ है। और भोपाल निगम, नगर निगम की बात करें तो अर्थ संकट हमेशा रहता है, जो रेवेन्यू आना चाहिए उतना कभी आ नहीं पाता, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे में तो मुझे लगता है आपने जो बात कही, वो जो अंकुश लगाने की आप बात करें, चाहे एनजीओज हों या और दूसरे संस्थान हों या निगम की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हों, तो इनसे तो बहुत कड़ाई से निपटना पड़ेगा। मुझे लगता है कड़ाई से निपटेंगे और इनको इनकी जवाबदारी का एहसास दिला देंगे कि काम करना पड़ेगा। मैंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी बोला है, हमारे सफाई मित्रों से भी कहा है, एनजीओ को मैंने टाइट किया है कि आपको इफेक्टिव काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं बचोगे, और केवल बचोगे नहीं, रिकवरी भी कर देंगे। आप ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपने गलत काम किया, आपका काम प्रभावी नहीं है, तो जो आपको पैसा दिया वो रिकवरी भी कर देंगे, ब्लैकलिस्ट भी कर देंगे, ये सब हम करेंगे, काम तो करना पड़ेगा। और नहीं कर सकते हैं तो नगर नियम के रास्ते भूल जाइए, आप इधर कहीं और जाइए, आप भोपाल नगर नियम की तरफ मुँह करिए मत करिए, यहाँ तो आपको प्रभावी काम कर सकते हो तो इस तरफ आइए, नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल मत आइए। और जो मुझे लगता है कि भोपाल के अंदर इस प्रकार के लोग भी बहुत होंगे जो अच्छा काम करना चाहते हैं, है ना, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो संस्थाएं भी हो सकती हैं, आम नागरिक भी हो सकते हैं, और सीनियर सिटीजन्स के ग्रुप हो सकते हैं जिनके जीवन के अपने अनुभव हैं। हम कई प्रकार के लोगों को इनोवेटिव आइडियाज़ पर काम करके भोपाल को बहुत आगे ले जा सकते हैं,
इसके लिए बहुत सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है और भोपाल में वो सारी संभावनाएं हैं कि भोपाल मध्य प्रदेश को तो दिशा दे ही सकता है, पूरी देश में नंबर बना सकता है। किशन सूर्यवंशी साहब, भोपाल स्वच्छता में नंबर वन बने ही बने, उसके अलावा भी कई क्षेत्र हैं जहां भोपाल अपना परचम लहरा सकता है, इस तरह के प्रयास करना चाहते हैं। किशन जी से बातचीत के इस दौर को हम जारी रखेंगे, फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा मस्ती और मुझसे कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है, ये ना तो सीधा है ना सादा, चटपटा है। नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, स्पाइस इन्फ्यूज पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी। मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई। ब्रेक के बाद बेबाक बात में आपका स्वागत है। भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता किशन सूर्यवंशी जी हमारे साथ में। किशन जी, अब आप अध्यक्ष बने, आपने टाइट करने का मन बना लिया है और मुझे लगता है कि इसके बड़े सकारात्मक परिणाम आने चाहिए, क्योंकि कई बार जीवन में प्रारब्ध बड़ा सूक्ष्म होता है और परिणाम बहुत विलक्षण आते हैं। अब सबको साथ लेकर चलने की बात, जब अध्यक्ष बनते हैं तो लोगों को लगता है कि अध्यक्ष बन गए, जो अध्यक्ष बनता है उसको भी लगता है कि मैं अध्यक्ष बन गया सब ठीक है, लेकिन आपका जो छोटा सदन है उसमें कांग्रेस भी है, भाजपा के लोग भी हैं, आपके पास बहुमत है, लेकिन सबको साथ लेके चलना अध्यक्ष का काम होता है। देखिए, मेरा पहले दिन से प्रयास रहा है, नगर नियम के इतिहास में पहली बार सर्वदलीय बैठक हमने की है, मैंने ऑर्गेनाइज करी है। नगर नियम ने आज दिनांक तक कभी सर्वदलीय बैठक नहीं की थी, ये शुरुआत मैंने की। और उसके पीछे जब मैंने सर्वदलीय बैठक में आए जनप्रतिनिधि से एक ही प्रश्न पूछा था कि आप बताइए भोपाल की जनता ने आपको, हमको, सबको चुन के क्यों भेजा है, और मुझे लगता है कि कम से कम इसलिए तो चुन के नहीं भेजा है कि जिस दिन परिषद का सम्मेलन हो उसके दूसरे दिन अखबारों की हेडलाइन हो कि परिषद हंगामे के बीच खत्म हुई। इस भोपाल की जनता ने आपको, हमको, सबको इसलिए चुन के भेजा है कि परिषद जो कि विधानसभा का ही एक रूप है, आप यहाँ सकारात्मक चर्चा करें, अपने क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करें, उस पर सुझाव दें कि अगर हम उसको ये से ठीक करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। इस प्रकार के सुझाव पर अगर चर्चा होगी तो सदन की सार्थकता होगी, पार्षद का महत्व बढ़ेगा और निगम में इफेक्टिव काम शुरू होंगे। तो उसमें ज़्यादातर साथी सहयोगी सहमत भी थे और मैंने ये भी कहा कि आप अगर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाओगे तो मुझे लगता है कि शहर की जनता को अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा और तीव्र गति से काम होगा। भोपाल के लोग कम से कम इस प्रकार की खबरें तो नहीं पढ़ना चाहते कि हंगामे से बैठक शुरू हुई और हंगामे से खत्म हो गई। अभी तो मुझे लगता है कांग्रेस के मित्रों को समझा, कई सालों से यही हो रहा है कि नगर निगम की बैठक हंगामे के साथ शुरू और हंगामे के साथ खत्म, इसके अलावा दूसरी खबर नहीं होती। मेरी वही कोशिश है, अभी मैंने आयुक्त को भी कहा कि हम ट्रेनिंग भी देंगे, मैंने कहा कि ट्रेनिंग का पूरा एक शेड्यूल बनाइए, और ट्रेनिंग पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, मैंने उनको कहा कि ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है कि हमें ट्रेनिंग देना है, हमें इफेक्टिव ट्रेनिंग देनी है कि एक पार्षद की सदन के अंदर क्या भूमिका हो सकती है, एक पार्षद की अपने वार्ड में क्या भूमिका हो सकती है, एक पार्षद की शहर के विकास में क्या भूमिका हो सकती है, इस प्रकार के अच्छे जानकार लोगों की लिस्ट बनाइए और हम एक या दो सत्रों में उसको रखें और जनप्रतिनिधि के अंदर इस भाव का जागरण करें कि हमें अगर शहर के लोगों ने चुन के भेजा है तो हम शहर के लोगों को क्या दे सकते हैं। प्रबोधन बहुत आवश्यक है, प्रबोधन बहुत आवश्यक है, इसलिए हम उस पर भी काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हम बहुत ही इफेक्टिव ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। एक चीज मुझे भोपाल में बहुत खलती है, बहुत तेजी से भोपाल की जो हरियाली थी वो खत्म हो रही है, भले ही स्मार्ट सिटी बनी हो तो पेड़ कटते हैं, आप कोई नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो पेड़ कटते हैं, उसकी भरपाई नहीं हो पा रही। एक अकेले शिवराज सिंह जी रोज एक पौधा रोप देते हैं, वो उसकी भरपाई नहीं कर सकता, उनके प्रयास को 100 सलाम है, लेकिन इसके लिए नगर निगम को कुछ करना चाहिए। आपकी बिल्डिंग परमिशन शाखा में जाइए, कहीं भी जाइए, पेड़ काटने की इजाज़त बड़ी आसानी से मिल जाती है, बहुत आसानी से। कई बार तो लोग इतने बेपरवाह लापरवाह हैं, परमिशन नहीं लेते, कहीं भी पेड़ काट देते हैं, आसपास के जंगल नष्ट हो रहे हैं, पूरे भोपाल की हरियाली जा रही है। अगर ये खत्म हो गई तो भोपाल का जो मिजाज है, भोपाल जो जाना जाता है, वो सब खत्म हो जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, विकास पर्यावरण संरक्षण के साथ होना चाहिए। अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुँचा करके विकास कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये विकास नहीं, आने वाले समय में विनाश होगा। इसलिए विकास का मॉडल भी पर्यावरण के अनुकूल हो,
हमें इस पर काम करना पड़ेगा। आप इसके, अभी जो, इसके लिए आप जैसे, जो प्रबोधन की मैं टोक रहा हूँ आपको, आप जो प्रबोधन की बात कर रहे थे, इस प्रबोधन की पार्षदों को तो जरूरत होगी क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिले बुरा नहीं होता। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत नगर निगम में बैठने वाले अफसरान को है जो सब काला पीला करते रहते हैं, नहीं कर पाएंगे, काम करना पड़ेगा। और नहीं तो आप देखिए थोड़े दिन बाद लोग खुद कहेंगे कि हमें यहाँ से मुक्त होना है, वो समय ज़्यादा दूर नहीं, आप लोगों को जल्दी खबर मिलेगी। क्योंकि तो आप, आपके एजेंडे में हरियाली है? हरियाली मेरे एजेंडे में प्रायोरिटी पे है। मैंने एक मीडिया मित्र, हमारे पत्रकार मित्र हैं, उनने भी जब मुझसे इस बारे में चर्चा की थी तो मैंने कहा था विकास के साथ पर्यावरण का भी संरक्षण करना है। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूँ, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, कि कोई मुख्यमंत्री इतने व्यस्त होने के बाद भी, संभव नहीं है, प्रतिदिन एक पेड़ लगा रहे हैं और समाज में अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे उपलब्धिपूर्ण काम करने वाले लोगों को साथ लगा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि पर्यावरण का संरक्षण हमें करना भी है और इस प्रकार के लोग जो शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर एटमॉस्फेयर का बनाने का काम कर सकते हैं उनके साथ वो वृक्ष इसलिए लगा रहे हैं कि वो भी ये संदेश देने का काम करें, ये भी है। और भोपाल के संबंध में जब आपने कही तो मैं आपको बता दूं कि भोपाल 43 से ऊपर नहीं जाता था, पर डेवलपमेंट में ये बात है और अब 48 तक जाने लगा है। इस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि इसके पीछे कारण क्या है। तो कारण निश्चित रूप से डेवलपमेंट के कारण कई बार जरूरी भी होता है, पर कोशिश की जानी चाहिए कि पेड़ों का संरक्षण हो, और नहीं तो उस लार्ज स्केल पे फिर हमें प्लांटेशन करना पड़ेगा। हालांकि निगम बहुत तेजी से कर रहा है, भारी मात्रा में प्लांटेशन कर रहा है, मुख्यमंत्री जी स्वयं रोज एक पेड़ लगा रहे हैं, बाकी संस्थाएं भी कर रही हैं, सामाजिक संस्थाएं भी कर रहे हैं, आम नागरिक भी। और भोपाल में खासतौर पर मैं ये कह सकता हूं कि वृक्षारोपण के मामले में तो भोपाल का जो आम नागरिक है बहुत जागरूक है, प्रत्येक घर में एक पेड़ जरूर लगा मिलेगा भोपाल में। आप कहीं भी चले जाइए, अगर उनके पास जरा सा भी स्पेस है घर के अंदर तो हर घर में एक पेड़ लगा मिलेगा। तो ये खासतौर पर पेड़ के मामले में, हरियाली के मामले में भोपाल का नागरिक बहुत जागरूक है और उसी का कारण है ये नागरिकों द्वारा ही संभाला हुआ भोपाल है जिसके कारण इतनी हरियाली है। और ये जैसा मैंने अभी कहा कि भोपाल में 43 टेम्परेचर किसी समय रहा करता था, आज 48 जाने लगा है। इस पर गंभीरता से हम सबको सोचना होगा, हमें लार्ज स्केल पे और प्लांटेशन करने पड़ेंगे ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी ने आईना दिखा दिया है। सही बात है। तो ये कुछ ऐसे इशू हैं जिस पर बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। किशन जी जिस तरह से बात कर रहे हैं उससे लगता है कि हमको जल्दी कई कड़े निर्णय लेते हुए दिखेंगे भोपाल के हित में, और जो कचोटता है आपको, हमको, सबको परेशान करता है, उन चीज़ों के कुछ निदान करने के प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं राजनीति की। आप अध्यक्ष बने तो बीजेपी में तमाम आपके समकक्ष नेताओं ने अपने कपड़े फाड़े। राजनीति में कंपटीशन होता है, महत्वाकांक्षाएं सबके पास होती हैं। फिर चर्चा चली कि आपकी और महापौर जी की भी खटपट होती रहती है, तो कितनी सच्चाई है इन सब बातों में? कोई खटपट नहीं है, बहुत अच्छे मिलकर के साथ काम कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कहाँ से मीडिया में खबरें आती है, मुझे लगता है कि हो सकता है इसमें भी विपक्ष के मित्र इस प्रकार की हवा को, बातों को हवा दे रहे होंगे। हम मिलकर के देखिए, महापौर जी का भी उद्देश्य है भोपाल में अच्छा काम करना है और मेरा भी उद्देश्य है भोपाल में अच्छा काम करना है, इफेक्टिव काम करना है। इस रास्ते पर वो भी अच्छा काम कर रही हैं, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे बाकी सारे पार्षद जनप्रतिनिधि भी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ। और जहाँ किसी को आवश्यकता लगती है कि मैंने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जनप्रतिनिधियों की मदद की है, अभी अभी जिले के महामंत्री भी हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री भी हूँ, पार्षद में भी अभी मैंने किसी पार्षद, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसके पास बैठने का स्थान नहीं था तो मैंने उपलब्ध कराया है निगम प्रशासन को बोल के, चाहे वो दूसरे दल का क्यों ना हो। मैंने कहा वो जीत के आया है, वहाँ जनता से उसे मिलने के लिए उसको स्पेस चाहिए, उसको बैठने की जगह दीजिए। हर समय आप दलगत राजनीति को दिमाग में रख के काम नहीं कर सकते हैं। अंतोगत्वा जब आप व्यापक सोच के साथ काम करते हैं कि अब चुनाव हो चुके हैं, अब हमें शहर पे बात करनी है, तो फिर आपको उस व्यापक सोच के साथ काम करना पड़ेगा कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी काम कर सकें। इसलिए उनको फैसिलिटेट भी करना पड़ेगा और उनको उस बात के लिए प्रेरित भी करना पड़ेगा कि आप काम कैसे कर सकते हो।
और वैसे भी आप लोगों के साथ तो इस समय बहुत अच्छा माहौल है काम करने के लिए। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, आपके प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उपज हैं, आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह साहब वो विद्यार्थी परिषद की उपज हैं, तो सारा विद्यार्थी परिषद पूरा प्रदेश चला रहा है इस समय। तो देखिए, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं और मुझे वहां बहुत सीखने को मिला है। संघ के स्वयंसेवक के नाते मुझे बहुत सीखने को मिला है। एक साधारण सा मेरे जैसा कार्यकर्ता जिसने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि भोपाल राजधानी जैसे जगह पर मेरे बारे में संगठन इतनी बड़ी सोच रखता है। मैं किशन जी के बारे में एक बात बताना भूल गया था इनको रोकते हुए। आपके पिता कृषि व्यवसाय से जुड़े रहे और आपका पूरा परिवार कृषि व्यवसाय से जुड़ा है, और राजनीति में शायद आपके अलावा आपके परिवार में कोई नहीं है। मेरे परिवार में कोई राजनीतिक नहीं है। पिछली बार भी जब मैं 2010-15 में पार्षद था, उसके बाद मेरे आसपास के सराउंडिंग वार्ड महिला हो गए थे या उनके आरक्षण में जातिगत समीकरण बदल गए थे, तो संगठन के नेताओं ने कहा, यार किशन बोले आपके लिए कोई वार्ड नहीं बचा है। तो मैंने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो फिर मुझे कुछ ने कहा कि आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दीजिए। तो मैंने उस समय जवाब दिया था, जिनको जवाब दिया वो जानते हैं, कि मेरी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की वोटर है, कार्यकर्ता नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि टिकट कार्यकर्ता को मिलना चाहिए जो बरसों से जो काम कर रहा है तो बोले ऐसे में तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। तो मैंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं पार्षद रह लिया हूं ना, नहीं रहा होता तो मेरे मन में भी उत्सुकता रहती कि एक बार तो बन के देखा जाए कि पार्षद के नाते कैसा काम करना चाहिए। आप जो इस तरह की बातें करते हैं ना, यही तो लोगों को चुभ जाती होंगी। तमाम सारे बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो जिनको खुद का वार्ड बदल गया, कुछ हो गया, तो उन्होंने पत्नी को टिकट लड़वा दिया। आप जैसे सिद्धांत पे कितने लोग टिकते हैं? मैं ये मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं ये बाकी सब लोग इस पर अमल करें नहीं करें, ये उनका अपना व्यक्तिगत क्षेत्र है, पर मैं वास्तव में ये मानता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, तो कार्यकर्ताओं के मेहनत परिश्रम के कारण है। एक बूथ का कार्यकर्ता जो चुनाव के दिन इतनी मेहनत करता है कि कहो उस दिन उसको चाय भी ना मिले, नाश्ता भी ना मिले, और हो सकता भोजन भी ना मिले, पर वो सुबह 6 बजे से बूथ पर पहुंचता है और शाम को जब तक मतदान बंद ना हो जाए, सर्टिफिकेट ना आ जाए, तब तक वो बैठा रहता है। क्यों बैठता है? तो इसलिए हमें कार्यकर्ता को प्राथमिकता देना चाहिए कि बरसों से इस पार्टी में जो काम कर रहे हैं हमें उनको प्राथमिकता देना चाहिए। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडरशिप इस पर परिवारवाद के खिलाफ बहुत सख्ती से काम कर रही है। उन्होंने बहुत सख्त, एक नहीं, एक से एक बड़े उदाहरण दिए, कई नेताओं की नींद उड़ा दी उन्होंने। हाँ, भाई उनका कहना है कि नेता पुत्र होना अपराध नहीं है, पर सिर्फ नेता पुत्र होकर के तुम चुनाव में आ जाओगे या राजनीति में आ जाओगे, ये नहीं चलेगा। आपको काम करना पड़ेगा। जैसे बाकी कार्यकर्ता बरसों से चप्पल घिस रहे हैं, काम कर रहे हैं, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी जिस दिन संगठन को ये लगेगा कि आपने इस पार्टी में बिल्कुल मौन होकर के जो संगठन आपको कहता गया आप वैसे करते गए, उस दिन आपको संगठन को लगेगा कि आपको कहीं और प्रमोट करना, तो करेगा। हो गया, आप नेता पुत्र पार्टी में पसंदीदा नेता कौन है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी से बहुत कुछ सीखा है। हर वर्ग के अच्छे लोग कैसे आगे लाए जा सकते हैं, इस प्रकार के प्रयोग उन्होंने बहुत किए हैं। नए लोगों को तो बहुत मौका दिया, और नए लोगों को जिस प्रकार से वो मौका देते हैं, विश्वास करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ साथ आप देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी पूरी भारतीय जनता पार्टी में सेवा के दम पर मध्य प्रदेश में लगातार सरकार बनाना कभी रहा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में पहले कहा जाता था कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगी, पर आज भारतीय जनता पार्टी के अलावा मध्य प्रदेश में क्या देश के अंदर कहीं विकल्प नहीं दिखता। तो पॉलिटिक्स का पैटर्न चेंज किया है। आज भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में बस चुकी है। वो कारण क्या है? तो कारण है काम, वो काम जिसको जनता चाहती है। देश की आवश्यकता क्या है, वो काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और नेशनल इश्यूज पे संगठन ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं। हम दो थे या बहुमत में आ गए, ये मैटर ही नहीं करता। जब दो थे तब भी नहीं सोचा था कि हमारी सरकार बनेगी, पंच से लेकर प्रधानमंत्री हमारे होंगे, पर हम अपने नेशनल इश्यूज पे कभी डिगे नहीं।
टिके रहे, 370 समाप्त करके रहेंगे, ये भाजपा के एजेंडे में था। और आज भाजपा जब इस ताकत में आई कि हम कर सकते थे 370 समाप्त, तो भाजपा ने किया है। अब नगर निगम अध्यक्ष बन गए आप, अब कहीं और इच्छा है मन में कि अब अगली बार विधायक बने? मेरे मन में ना नगर निगम अध्यक्ष की कोई इच्छा थी, ना आगे कोई। मैंने जैसा कहा कि वास्तव में मुझे नहीं मालूम था कि संगठन मेरे बारे में क्या विचार कर रहा है, और संगठन मेरे लिए जो उपयुक्त काम समझता है, चाहे वो संगठन का हो या कोई दूसरा हो, मेरा कोशिश ये रहती कि उसमें 100% में देने का प्रयास करूं। किशन सूर्यवंशी जी को आप सुन रहे थे, भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष हैं आप, युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आपने जो कमियां हैं उनको बड़ी साफ गोई से स्वीकार किया और ये कहा कि स्वच्छता में भोपाल देश में नंबर वन बने, इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आपको हम इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपने जिन बातों को कहा है आप उन अमल में लाएं उन बातों को, और वो रिजल्ट आप सामने लेके आए, तो यकीनन भोपाल भी आपके प्रति आभारी रहेगा और भोपाल नगर निगम में कुछ सुधार आएगा तो लोगों के हित का काम होगा, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं नगर निगम से जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दखल न्यूज़ में आज बस इतना ही, आप देखते रहिए समाचारों को तेज गति से दखल न्यूज़ के साथ। देख रहे हैं दखल न्यूज़।